Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सच जाने बिना यहाँ से जाने नहीं वाले हैं। क्या हुआ था उस रात? रामू काका, अगर केस से जुड़ी कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो प्लीज बताइए। सच छुपाकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इस शहर का कानून ना काका, आपको खा जाएगा। रानी की हालत देखिए, अरे कब तक हिम्मत बांधे रखेगी बेचारी? जो कुछ आपको पता है काका, साफ साफ बताइए, हम सब हैं यहाँ आपकी मदद के लिए। भौजी, तुम हमसे एक अच्छी बहुरानी बनने का वादा लिए थे और हमने पूरी कोशिश की। अब हम नहीं जानते कि हम एक अच्छी बहुरानी बन पाए कि नहीं, लेकिन हम जी जान से कोशिश किए भौजी, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी बारी है सच बताने की। सुनवाई की तारीख आ गई है, अगर अब सच नहीं बताओगे तो बहुत ही देर हो जाएगी। प्लीज भौजी, बता दीजिए क्या हुआ था उस रात। अब तुम्हें वादा पूरा करना ही होगा भौजी, बोलो ना क्या है सच। प्लीज बोलिए। रानी बिटिया, उस रात बोलो रामू। मॉम, हम भी जानना चाहते कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। बताओ ना पाउची, सच क्या है? देखो ना रामू, हमारी बहू रानी, तुम्हारी बिटिया कितनी परेशान है, और हम भी चाहते हैं कि वो हमारे घर में खुशी से और शांति से जिए। इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। सच बताओ ना बाऊजी। रानी साहब, यहाँ खंबागढ़ी फोन कर दिया होता कि आप आने वाली, कुछ चाय नाश्ता मंगाए? उसकी कोई जरूरत नहीं रानी साहब, वो टेम हो गया, मुजरिम को ले जाना होगा। एक मिनट, अब बाऊजी हमें कुछ बताने वाले थे, क्या हुआ था उस रात? पाउची, बताओ ना सच का है। देखो, कल हमारा जन्मदिन है और कोरट में तुम्हारी पेशी, ऐसे चुप ना ही रह सकते तू। कल तुमको सच बताना ही होगा, तुम्हें हमारी कसम।
थी। काका कल सच बताओगे ना बाऊजी? राजेश्वरी को समझना चाहिए कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल वक्त पे आना है। वो क्या है ना कि हमने बहुरानी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी है। हाँ, पार्टी में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जो भी आपके मन में है दिग्विजय, वो बता दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कोई नहीं जानता है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? राजेश्वरी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वीर का रानी से बदतमीजी से बात करना, आपका रामाधीर से जेल में मिलने जाना, केस फास्ट ट्रैक होना, कौन, ये सारे के सारे एक साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं। आपके मन में चल क्या रहा है? हाथ छोड़िए हमारा, अभी के अभी। आपके मन में जो भी शक है, जो भी कंफ्यूजन है दिग्विजय, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बहुरानी को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ आप हम पे ऐसे संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। Yes, हम लगा रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आपका हाथ है राजेश्वरी। Come on! बंद कीजिए ये वीर और रानी के बीच में अंतर पैदा करना। हम राजेश्वरी सिंह रजावत हैं, हम हुक्म चलाते हैं, मानते नहीं हैं। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। तो प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। सोचा था घर में सब ठीक हो रहा है, पर यहां तो बात बिगड़ती ही जा रही है। ना जाने राजेश्वरी के इस बदले रूप से वीर और रानी की जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा। जितनी धूमधाम से तैयारियां हो रही है, उतना ही बड़ा तोहफा हमने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है रानी। हमारे प्लान में दिक्कत सिर्फ एक आ सकती है, अगर उस रामू ने अपना बयान बदल दिया तो। देखो, कल हमारा जन्मदिन है और कोरट में तुम्हारी पेस। कल सच बताओगे ना बाऊजी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टी, ये सारा तामझाम रानी को उलझाए रखने के लिए तो कर रहे हैं। हमारी हार नहीं हो सकती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।